हेलो, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, अदाब, केमन आछे काई सिंबास। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इंडियन रिएक्टर्स। और आज हम काफ़ी अरसे के बाद, आप कह सकते हैं जी, फिर से हाजिर हुए हैं आपका पाकिस्तानी वेडिंग फायरिंग या गन फायरिंग का रिएक्शन लेकर। और पिछले काफ़ी अरसे से आप देख रहे होंगे कि हमने पाकिस्तानी वीडियोस पे या गन फायरिंग वीडियोस पे रिएक्शन नहीं दिया, बट अब आप कह सकते हो कि रेगुलर हमने पाकिस्तानी जो गन फायरिंग वीडियोस हैं उन पे भी रिएक्शंस आएंगे लगातार, और पाकिस्तानी और वीडियोस पे भी हम रिएक्शंस देंगे। सो बट आज की जो वीडियो है वो है पाकिस्तानी वेडिंग गन फायरिंग। तो शादी में गन फायरिंग हो रही है, तो इस पे हम आज रिएक्शन देने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। और बाकी इस वीडियो के बारे में और डिस्कशन करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। पहले हम सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और बाकी डिस्कशंस करेंगे वीडियो के बारे में वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका रिएक्शन। सो चलिए जी, जल्दी से देखते हैं आपका पाकिस्तानी गन फायरिंग स्टार्ट। आई थिंक शॉट गन थी और ये वाली आई थिंक गन पिस्टल है, ये पता नहीं कौन सी है। गन के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं। कमाल की गन है, जाम हो गई। ये गन ज़्यादातर जाम भी हो जाती है। ये आई थिंक दुल्ला खुद ही फायरिंग कर रहा है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। ओ भाई ये क्या था, एकदम से 6 गोलियां चली ऑटोमेटिक थी शायद, पता नहीं क्या था। बाकी सिंगल शॉट चला रहे हैं, पूरी वाली जो थी आई थिंक 6 की 6 एक साथ चला दी। नीचे तो बस गोलियां ही गोलियां हैं चारों ओर। साथ में वो जो बैग आपको दिख रहा है उसमें गोलियां हैं, आई थिंक आई एम नॉट श्योर। यही है, साथ में कईयों ने बैग भर के रखा हुआ है और उस बैग में मैगजीन्स होती हैं, गोलियां होती हैं। ये भाई अलग ही जरूर चढ़ा हुआ है इसको। ये कमाल कमाल। ओ ये 6 एक साथ चल रही हैं, कई शॉट्स तो ऐसे हैं जो एक एक करके चल रहे हैं मोस्टली, बट एक साथ 6 चल रही हैं, ये बड़े मज़ेदार हैं। ये काफ़ी रिकॉइल करती हैं गन्स, बट जब आप लगातार चलाते हो तो आपको आदत हो जाती है। ये शॉटगन है, ये देखो, ये जो सिंगल में ही मतलब 5-6 गोलियां एक साथ चलती है ना, वो बड़ी मज़ेदार होती हैं। ये जाम हो गई भाई की पिस्टल। और मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि मैंने यही सुना है कि अरे वाह शॉटगन तो कमाल कर रही है। दो शॉटगन्स हैं इनफैक्ट, मुझे लगा एक है बट दो है। ये AK-47 शायद ये आया भाई, ये वाले भाई की मुझे बड़ी मज़ेदार लगी, नीले शर्ट नीले कुर्ते पजामे वाले की, इसने जो चला रहा है शॉटगन, वो लिफाफे में गोलियां दे के रखते हैं आप। ये भाई का भी अपना ही सुरूर चढ़ा हुआ है, गोलियां बड़े स्टाइल से चला रहा है, ये इसको बहुत मज़ा आ रहा है। जाम हो गई, नीचे आप देख सकते हो पूरे गोलियां बिखरी हुई हैं चारों ओर। अरे वाह आवाज बड़ी जबरदस्त थी। अरे भाई जान, ये हुई ना कुछ,
ये भाई गुस्से में चला था ये अभी मजेदार है यार, देखने में इतना मजा आ रहा है तो चलाने में भी इतना मजा आ रहा होगा। वाह कमाल कमाल, ये क्या भाई, अच्छा गोलियां हैं दो तीन मैगजीन उसके हाथ में। ये पिस्टल्स काफी हैं, चाहे आपके अंदर बड़ी गन्स भी हैं लेकिन पिस्टल्स बहुत ज्यादा हैं। ये शॉटगन मजेदार लगता है ना, शॉटगन को रीलोड किया एंड कमाल की फायरिंग हो रही है भाई, मजा आ गया वीडियो देख के, मजेदार वीडियो है ओ भाई, ये मस्त था, ये बढ़िया था। आपने जी ये चैनल का ट्रेलर देख लिया होगा, ये दूसरा चैनल है मेरा गेमिंग वाला। अगर आपको भी गेमिंग वीडियोस पसंद हैं तो आप उस चैनल पे एक बार ज़रूर जाइएगा और वहाँ पे वीडियोस चेक कीजिएगा। आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की वीडियोस जो हैं मज़ेदार वीडियोस वहाँ पे आती रहेंगी। चैनल का जो लिंक है मेरे दूसरे चैनल का गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जाइएगा ज़रूर चैनल पे और वीडियोस ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो, ये थी जी आपकी पाकिस्तानी गन फायरिंग और बड़े अरसे के बाद रिएक्शन किया तो एक यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि इससे पहले भी हम रिएक्शन करते रहे हैं और क्या नेक्स्ट लेवल वाला मज़ा आता है जब आप देखते हो यार, मतलब ऐसे गोलियां वैसे तो आपको पता है कि कहाँ चलती हैं, मोस्ट ऑफ़ द केसेस तो जंग वगैरह में चलती हैं, तो वहाँ देखने में इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि खून खराबा होता है, लाशें बिछती हैं। बजाय इसके किसी खुशी के मौके पे जब फायरिंग होती है ना तो एक अलग ही मज़ा आता है उस चीज़ को देखने का। जैसा कि मैं मोस्टली पाकिस्तानी वीडियोज़ में देखता हूँ कि बहुत नेक्स्ट लेवल वाला मज़ा आता है, और कुछ बेचारे मेरे तरह भी होते हैं, हर किसी को फायरिंग पसंद नहीं होती, मुझे मतलब वीडियो देखते हैं तो पसंद है बट जब वैसे फायरिंग होती है तो पसंद नहीं होती, तो मेरी तरह भी होते हैं तो पीछे मैं देखता हूँ कि कुछ कान बंद करके बैठे होते हैं बंदे और मेरी तरह जिनको शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं है, बट वीडियोस में देखता हूँ तो काफ़ी मज़ा आता है, नेक्स्ट लेवल वाला मज़ा आता है। मतलब ज़्यादातर पिस्टल्स ही आपको मिलेंगी क्योंकि पिस्टल्स बहुत सस्ती हैं। मैंने आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे इस वीडियो पे रिएक्शन देने की जिसमें ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान में है जो गन्स वगैरह हैं वो काफ़ी सस्ती मिलती हैं, स्मार्टफोन के मुकाबले भी आपको स्मार्टफोन महंगा मिलेगा, गन सस्ती मिल जाएगी। सो इस तरह के कुछ वीडियोस देखी थी मैंने यूट्यूब पे, उन पे भी रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी कोई वीडियो पता है जिसमें आप कह सकते हो कि पाकिस्तान में गन्स वगैरह का प्राइस वगैरह बताया हो तो वो ज़रूर लिंक में दे दीजिए, लिंक दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम उस पर भी रिएक्शन करेंगे। बट मैंने सुना है कि काफ़ी सस्ती मिलती हैं गन्स, तो इसलिए मोस्ट पीपल जो हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं गन्स, इसलिए सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ज़्यादातर लोग अपना वो करते हैं, गन्स लेते हैं, उसके अलावा कोई ज़्यादा लेता नहीं क्योंकि पंगा बहुत होता है। इंडिया में क्या होता है कि आपको इलेक्शंस आते हैं तो सबसे पहले तो लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको लाइसेंस काफ़ी महंगा मिलता है, उसके बाद जब इलेक्शंस आते हैं तो आपको वो गन जमा करवानी पड़ती है, इलेक्शन के बाद फिर वापस आपको वो करवानी पड़ती है, मतलब वापस लेनी पड़ती है, तो इस तरह से बहुत सारे पंगेज हैं। ज़्यादातर बंदे इस पंगे में नहीं पड़ते बट पाकिस्तान में आई थिंक लाइसेंस वगैरह का कोई इशू नहीं है, कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है और सस्ती भी हैं, तो इसीलिए शौक़ के लिए रखी जाती हैं गन्स। और
शॉटगन्स आपने देखी तो थोड़ी क्वालिटी लो हो सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर कोई गन अफोर्ड कर रहे हो, वो सस्ती गन है तो थोड़ी बहुत क्वालिटी ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कई बार गन जाम हो जाती है। बट ओवरऑल कहने में बहुत मज़ा आता है हर बार पाकिस्तानी वेडिंग फायरिंग हो या वैसे फायरिंग वाली वीडियो, उस पर रिएक्शन करने में। आप लोग सजेस्ट कीजिए और वीडियोस, और जो आप सजेशन दे रहे हैं उस वीडियो का लिंक ज़रूर दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि हमें वीडियो को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। कई बार हम किसी और वीडियो पर रिएक्शन कर देते हैं, सो वीडियो का लिंक ज़रूर दे दें। और आप अपने सजेशंस जो हैं वो मुझे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप कह सकते हो कि भेज सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह खुश रहिए, और अगर आपकी बिजी हो स्ट्रेसफुल लाइफ में, तनाव भरी लाइफ में हमने थोड़ी सी भी आपको मुस्कान दी हो, आपको एंटरटेनमेंट दिया हो, तो इस चैनल पे और वीडियोस देखिए। अगर आपको वो भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। Want to see more videos? Just click on the subscribe button and press the bell icon. And don't forget to follow us on Instagram.